चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सैटरडे आज एस्ट्रोलॉजी सीरीज जो एवरी सैटरडे हम करते हैं, और हमारे साथ जो है वेल नोन एस्ट्रोलॉजर जिनको बाबा के नाम से जानते हैं वो है किरण ठक्कर जी। गुरुजी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और एस्ट्रोलॉजी सीरीज के अभी तक काफ़ी सारे एपिसोड हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों की जो भी उन्होंने डिटेल्स भेजी थी उनके हमने यहाँ से गुरुजी ने बता दिया है सॉल्यूशंस। और अभी जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मतलब कि ये एस्ट्रोलॉजी सीरीज क्या है वो मैं आपको बता दूँ। एस्ट्रोलॉजी सीरीज में जो गुरुजी है वो लाइव जन्माक्षर देखते हैं, मतलब आपकी आपको भेजनी है बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस, आपका बर्थ टाइम एंड आप कहाँ से है और आपका नाम वगैरह आपको भेजना है, और साथ में आपके दो क्वेश्चन हमें भेजने हैं। तो हर एपिसोड में अगर आपका सेम डे लिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड में आपका प्रश्न लिया जाएगा। और अभी तक आज काफ़ी सारे प्रश्न हैं गुरुजी, आज इंक्लूड करने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से वो लोग वेट कर रहे हैं, तो आज हम थोड़े ज़्यादा प्रश्न लेंगे। और साथ में गुरुजी एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, तो आज भी गुरुजी कुछ अच्छा नया सिखाने वाले हैं मेरे ख्याल से। तो जो भी सीखना चाहता है और जो सीख रहा है इतने एपिसोड से जिन्होंने सीखा है वो नोट और पेड लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि लास्ट की जो 5 मिनट्स रहेगी वो एस्ट्रोलॉजी आपको सीखनी है। तो गुरुजी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट आज क्वेश्चन ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका है और काफ़ी सारे लोग हमारी वेट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले किरण गज्जर जी का प्रश्न है, उनका मतलब उनके बारे में नॉर्मल उनको जानना है। उनका बर्थ डेट है 17 दिसंबर 67। जी, समय समय उनका है शाम को 6:30 और जन्म स्थान जो है उनका मुंबई में है। किरण गज्जर जी आप सुनिए, गुरुजी अभी आपके बारे में बता रहे हैं। उनकी तारीख है 17/12/1967 जी, शाम को 6:30 बॉम्बे जी। उनकी मिथुन लग्न कुंडली आ रही है और मिथुन राशि ही आ रही है जी। सबसे पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एक टेंशन लेके बैठा है आज की तारीख में। उनके दिमाग में एक टेंशन है, फाइनेंशियली चिंता लेके वो काफी बैठा है जी। और बड़ी चिंता उनको लग रही है जी। दूसरी बात, अभी जो गोचर के ग्रह है उनके चन्म के लग्न से और चन्म के चंद्र से 12वें स्थान में राहु जा रहा है और चंद्र से 8वें स्थान में शनि जा रहा है, वो उनकी 2.5 साल की ढैया बताती है, पनौती बोलते हैं ना शनि की जी, जी, जी। वो चल रही है। तो ये समय आगे क्या 1.5 साल उनका फिजिकली और मेंटली बहुत ही वीक रहने वाला है जी। तो ये उनके लिए खास ध्यान रखने वाला समय है आगे का 1.5 साल। तो जी उनके सॉल्यूशन के लिए वो क्या करें? हाँ, उनको दो चीज खास ध्यान रखनी है। एक, गौ माता को निरंतर हरी घास खिलावे जी, गौ माता को निरंतर हरी घास खिलावे। दूसरा, हर बुधवार को एक नारियल और 250 ग्राम मिश्री, हर बुधवार को एक नारियल और 250 ग्राम मिश्री गणपति मंदिर में रखना है, और हरी घास वो नियमित गाय माता को खिलावे, और विष्णु सहस्त्र नाम उनके लिए खास जरूरी है, उनको बोलिए विष्णु सहस्त्र नाम पे ध्यान देवे। आगे के 1.5 साल बहुत ही दिक्कत वाले हैं, बी केयरफुल। तो वो भी पूछ रहे हैं कि वो बिजनेस कुछ करे तो उसमें उनको क्या फायदा? नहीं, अभी 1.5 साल के लिए हम कुछ भी मना करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली और मेंटली काफी डिस्टरबेंस रहेगा और गलत डिसीजन आने के उनके चांसेस और नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा। हेल्थ वाइज खास संभाल है, हेल्थ उनकी बिगड़ने की संभावना ज्यादा जी। किरण जी, आपके बारे में गुरुजी ने बताया है, लेकिन आप और भी पर्सनली गुरुजी को मिलना चाहते हैं तो जरूर आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको एक गुरुजी का नंबर देंगे।
और बाकी की सॉल्यूशन अगर आप लेना भी चाहते हैं तो गुरुजी से ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं गुरुजी, नेक्स्ट जो है नीलम जी का है, उनका बर्थ डेट है 6 नवंबर 66 और उनका जन्म समय रात को 9:38 है और जन्म स्थान है मानगांव रायगढ़ से। हाल ही में वो मुंबई में स्थायी है। तो उनका कोई प्रश्न नहीं है लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन उनको देनी है। जी 6/11/1966 है, रात को 9:38 रायगढ़। जी ठीक है, उनका भी मिथुन लग्न कुंडली ही आ रहा है। उनके भी 12वें स्थान में से राहु की पासिंग, 8वें स्थान में से चंद्र की पासिंग जन्म लग्न से, जो फिजिकली और मानसिक थोड़ा डिस्टर्बेंस करेगा। बाकी ऐसा फिजिकली तो ऑलरेडी उनका थोड़ा दिक्कत है ही, वो जो भी काम करते हैं उसका जस्ट दूसरे को मिलता, उनको जो फल मिलना चाहिए वो कम मिलता है, ये उनके लिए हमेशा दिक्कत रहती है। जो भी काम करते हैं उसमें उनको जो जस मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, ये हमेशा उनका एक प्रॉब्लम रहा है। और कोई भी काम करते हैं, किसी का भी अच्छा करते हैं तो उनको गाली पड़ती है, मतलब उनकी मानहानि होती है, ये उनके लिए खास दिक्कत है। तो उनको एक काढ़ा पीने का बोलिए, 10 तुलसी के पत्ते डालने हैं, 4 काली मिर्च है, अदरक, नींबू, काला नमक और पुदीना, ये 2 गिलास पानी में उबाल के उसमें 2 चम्मच शहद डाल के डेली सुबह पीना है, फिजिकल अवस्था उनकी सही रहेगी। और ये भी खास विष्णु सहस्त्र नाम पे ध्यान देवे जी। और हर रोज सुबह में दूध, पानी, कमलगट्टा और काले तिल शिवलिंग पे रोज सुबह चढ़ाने का उनको बोलिए, तो उनसे फिजिकल और मेंटल अवस्था काफी अच्छी रहेगी। जी नीलम जी, आपने सुना होगा गुरुजी ने जो भी कहा है वो फॉलो कीजिए। अगर जो भी आपको करने के बाद जो भी फायदा रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे जरूर हमें बताइएगा, आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दूसरे है आनंद जी, जिनका बर्थ डेट है 2 सितंबर 1965, उनका जन्म समय है 7:14 शाम को, जन्म स्थान मुंबई है और उनके प्रश्न भी है, उनको हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, उनके उनको धन प्राप्ति कैसे होगी वो भी पूछ रहे हैं। 2/9/1965 जी, शाम को 7:14 बॉम्बे जी। उनका कुंभ लग्न कुंडली आ रहा है। कुंभ लग्न कुंडली में उनका शनि अभी बलि हो रहा है, वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। विल पावर उनका बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन मानसिक एक स्टेबिलिटी नहीं है, दिमाग घूमता रहता है, फिरता रहता है। बाकी ये दिन उनके अच्छे रहेंगे, उनको कोई चिंता नहीं, बस खाली एक है कि हर शनिवार को गौ माता को गुड़ और रोटी, गेहूं की रोटी, रोटी मतलब गेहूं की रोटी खिलानी है, गेहूं की रोटी और गुड़ गौ माता को खिलाए, उनसे काफी उनको बेटर फायदा रहेगा। और कोर्ट केस में भी उनको अच्छा फायदा रहेगा जी। गेहूं की रोटी और गुड़ खिलाने से उनको बहुत ही बड़ा फायदा रहेगा। मतलब उनको ये पूछना है कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनको धन प्राप्ति कैसे होगी, और कोर्ट केस उनका कुछ 11 साल से चल रहा है तो क्या उनकी फेवर में आ सकता है। हाँ, वो मैं वही बोला, वो उनको गेहूं की रोटी और गुड़ खिलाना है, उससे उनको काफी फायदा, कोर्ट केस में भी रहेगा, हेल्थ में भी वही रहेगा और धन प्राप्ति में भी वो काफी अच्छा फायदा करेगा जी। तो आनंद जी, आपका जो प्रश्न था, आपने जो पूछा था, वो गुरुजी ने आपको बताया है, वो आप थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, आपको काफी सारी मतलब राहत इसमें मिल सकती है। उसमें हरी घास भी जोड़ दीजिए गाय माता को जी, गेहूं की रोटी गुड़ के साथ में हरी घास भी जोड़ दीजिए जी, मतलब हरी घास भी आपको खिलानी है गाय को। और अभी आगे चलते हैं, आनंद जी को ज्यादा पूछना है, आनंद जी तो आप गुरुजी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम गुरुजी से आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट अभी चलते हैं, तो
मिस्टर पुरोहित है, उनका बर्थ डेट है 5 मार्च 1989 जी। और उनका जन्म समय है शाम को 4 बजे और सूरत में है, और उनका प्रश्न भी है कि वो कब सेट होंगे। पांच मार्च 1989 शाम को 4 बजे सूरत जी। जी, कर्क लग्न कुंडली है और कर्क लग्न कुंडली में उनकी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण दोष हुआ है, वो भी अष्टम स्थान में, जो उनके बिजनेस में जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ कम मिल रहा है। एक ही रीजन है जिससे उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो कम मिल रहा है, और वो है वो सूर्य राहु का ग्रहण दोष। पहले तो वो उसको पितृ दोष भी बोल सकते हैं। वो सूरत के नजदीक चांदोद करके वहां पे ये जो पूजन होता है उनका, वो एक बार निवारण करवा दे, उसके बाद में काफी अच्छा फल मिलेगा। ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दायक देगा। और हाँ, खुद सेट नहीं हो रहा है वही उनको एक चिंता है, लेकिन सेट होने के लिए कोई टेंशन नहीं है अभी। खाली एक उनका एक जो सूर्य राहु का ग्रहण दोष हुआ है, जिसको पितृ दोष भी बोलते हैं, इसकी पूजा चाणौत में करवा देवे अच्छे से, उसके बाद में उनको सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, गणपति मंत्र पे खास ध्यान देवे, गणपति उपासना, गणपति मंत्र, ये इनके लिए खास जरूरी है। मिस्टर पुरोहित जी, आपको जो कहा है वो गुरुजी ने वो आप जरूर, इनको एक मंगल और चंद्र पहनाइए। मंगल और चंद्र पहने, 5 कैरेट के आजू बाजू का मंगल और चंद्र पहने, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा जी। और मिस्टर पुरोहित जी, आपको जो बोला है गुरुजी ने वो आप जरूर कीजिएगा, और आप भी गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो जरूर हमें संपर्क कीजिएगा, हम मिला सकते हैं गुरुजी से डायरेक्ट। आपको और भी आपको आपके बारे में जानना है तो आप पूछ सकते हैं उनको। गुरुजी, दूसरे एक पर्सन से धारा जी है, उनका बर्थ डेट है 11 सितंबर 1989 और उनका जन्म समय है 4 बजे 1989 वाला दूसरा है। हाँ, नहीं यही है धारा जी। हाँ, समय उनका समय है सुबह 4:47 नहीं, मैं ये बोला दूसरा आया। अच्छा, 89 का दूसरा आया। हाँ जी, वो पुरोहित भी वही है, बट वो मार्च में था। हाँ, ये सितंबर में है, राइट। बर्थ प्लेस उनका मुंबई है और जन्म समय है उनका 4:47 सुबह में। हाँ जी, सुबह 4:47 बॉम्बे जी। ओह, आज इनकी कुंडली में भी सर पे ही सूर्य और राहु का ग्रहण दोष लेके पैदा हुए है। आज ऐसे ही कुंडली बहुत ज्यादा आ रही है जो क्योंकि इनको ज्यादा तकलीफें हो रही है मेरे ख्याल से। हाँ, इसीलिए उनका फैमिली प्रश्न है, चंद्र सिंह दूसरे स्थान में, और ये अपने परिवार को लेके फाइनेंशियल ले लेंगे, थोड़े डिस्टर्ब देख रहे हैं और चिंता में लग रहे हैं जी। तो इनकी भी वही सूर्य राहु ग्रहण दोष की पूजा है, वो पूजा करवाइए, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सूर्य उनका राहु की पकड़ में होने का कारण नेगेटिव थॉट्स बहुत ही आ रहे हैं जी। नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत ही आ रहे हैं जी। तो उनके लिए कुछ उनको उपाय, वो रविवार का फास्ट रखे और रविवार में सफेद वस्तु खा के वो शरीर का फास्ट रखे, वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और रविवार को 250 ग्राम चावल और 250 ग्राम घी शिव मंदिर में रखे, जिससे इनको काफी फायदा रहेगा जी। तो गुरुजी, आज बस इतने ही क्वेश्चंस हम लेते हैं, दूसरे जो होंगे वो नेक्स्ट एपिसोड में होगा, क्योंकि आपको अभी एस्ट्रोलॉजी सिखानी भी है। पर उसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ से लाइव कुंडली यहाँ से गुरुजी देखते हैं और आपको बताते हैं, अगर आप भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी है आपकी लाइफ में, आपको कोई बिजनेस में दिक्कत है, आपको कोई जॉब में प्रॉब्लम आ रही है,
या आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गुरु जी जरूर आपको बताएंगे उसका सॉल्यूशन, और वो भी विदाउट चार्ज, मतलब एक भी पैसा आपको कहीं पे भी देना नहीं है, गुरु जी तो को देना ही नहीं है, गुरु जी जो बताते हैं उस पर उसको सिर्फ आपको फॉलो करना है सही तरह से, तो ज़रूर आपको उनका बेनिफिट मिलता है। और काफ़ी सारे गुरु जी फीडबैक भी आए हैं, लोग मतलब जाहिर में बताना नहीं चाहते हैं कि हमें ऐसा फ़ायदा हुआ है, बट काफ़ी सारे फ़ोन मुझे आते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी बताते हैं कि गुरुजी जो भी बता रहे हैं हम उनको फॉलो करते हैं तो हमें एटलीस्ट मानसिक शांति हमें मिल रही है, हम जितने डिप्रेशन में थे और जो भी टेंशन हम फील कर रहे थे उसको हमें काफ़ी राहत मिल रही है। अभी जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है कि लोगों के पास बिजनेस नहीं है, लोगों के पास जॉब चली गई है, काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हैं इस माहौल में, तो एटलीस्ट हमको मानसिक शांति भी मिल रही है ऐसा लोगों का कहना है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें आपकी डिटेल्स, हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9227645700, मैं वापस रिपीट करती हूँ 9227645700 जो हमारे चैनल का एक्सोटिक वेब मीडिया का व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप आपका डिटेल्स भेज दीजिए तो ज़रूर हम आपको भी आपकी परेशानियों से दूर करेंगे और गुरुजी अभी एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, तो जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है जल्दी से आ जाए और एस्ट्रोलॉजी गुरुजी से सीखे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको फेसबुक पेज लाइक करना है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारी जो वेबसाइट है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी माहिती आपको मिलेगी और जो तुरंत ही जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपको मिलेगी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी अब आप सिखाइए एस्ट्रोलॉजी। जी, पिछली बार ग्रह में उच्च और नीच राशि का हमने फल कथन किया था। जी, अभी है कोई भी ग्रह अपने स्थान में वक्री होता है तो उसका क्या फल कथन है, उससे क्या फायदा और क्या नहीं फायदा होता उसके लिए। तो हमारे शास्त्र में 7 ग्रह पे ज्यादा ध्यान दिया है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु और केतु छाया ग्रह है। राहु और केतु जो है निरंतर वक्री होते हैं, वो निरंतर मार्गी होते नहीं, और सूर्य और चंद्र दो ऐसे ग्रह होते हैं जो कभी वक्री नहीं होते। बाकी के 5 ग्रह वक्री होते हैं, वो 5 ग्रह में उसका फल कथन अभी बताएंगे। जो ग्रह वक्री होता है उसके बारे में जो वर्तमान ज्योतिष है उसमें काफी मतांतर हमने देखे, लेकिन जो साधना किया है, जो हमने संशोधन किया, इससे ये पाया है कि जिसका ग्रह वक्री होता है, जैसे जन्म लग्न का मालिक वक्री होता है तो उसका माइंड वीवनिंग रहता है, वो प्रॉपर डिसीजन लेने के लायक नहीं रहता है। जैसे समझ लो कि एक इंसान है, उसके सामने 4 रास्ते हैं, तो उसका ग्रह वक्री है तो ये रास्ते जाऊं, ये रास्ते जाऊं, ये रास्ते जाऊं, ये रास्ते जाऊं, तो वो कंफ्यूज रहता है। जिसका जन्म लग्न का मालिक वक्री होता है वो कंफ्यूज रहता है, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। दूसरा, अगर उसका जन्म लग्न का मालिक वक्री है और वो जिसके नक्षत्र में, वो नक्षत्र का मालिक अगर वीक है, निर्बल है, तो वो जो भी डिसीजन लेगा वो उसके अगेंस्ट में जाएगा। लेकिन अगर उसका जन्म लग्न का मालिक अगर जिसके नक्षत्र में है और वो बली है तो वो जो भी डिसीजन लेगा तो वक्री होने के बावजूद वो रिजल्ट उसके फेवर में आएगा। जी। दूसरी बात, जो भी जन्म लग्न में जो भी ग्रह नीच का होता है और वो वक्री होता है तो वो अच्छा फल देता है, ये एक शास्त्र का नियम है। जो भी ग्रह नीच राशि में है और वो वक्री होता है तो वो अच्छा फल देता है, और जो भी ग्रह उच्च राशि में है और वक्री होता है वो खराब फल देता है। तो ये वक्री ग्रह का जो भी हमने संशोधन किया, काफी लोगों में मतांतर हमने देखे, लेकिन जो परफेक्शन हमने पाया है यही सिद्धांत से पाया है। तो वक्री ग्रह पे आपको ये खास संभावना नोट कर लो कि जो ग्रह उच्च राशि में है
और वो वक्री होता है वो खराब फल देगा। जो ग्रह नीच राशि में है और वक्री होगा वो अच्छा फल देगा। वक्री का मूल सिद्धांत यह है कि इंसान को कंफ्यूज कर देता है, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए योग्य नहीं छोड़ता। लेकिन उसका जो नक्षत्र का मालिक अगर बली है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर नक्षत्र का मालिक निर्बल है तो वो आपको खराब फल देगा। आज के लिए ये वक्री ग्रह पे ही तो आप थोड़ा ध्यान दें। मतलब गुरुजी ने आज जो एस्ट्रोलॉजी में सिखाया है वो है ग्रह, वक्री ग्रह के बारे में बताया। मेरे ख्याल से कि उच्च राशि में ये ग्रह क्या काम करता है और नीच राशि में ये ग्रह क्या काम करता है, यही था ना गुरुजी? जी, जी, शायद मैंने सुना तो जी, यही यही है। तो ये आज था और नेक्स्ट में नेक्स्ट एपिसोड में भी काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी भी जो पीछे से जुड़ रहे हैं गुरुजी, किसी का मुझे ऐसा भी प्रश्न था कि हम पीछे से जुड़े हैं, जब गुरुजी ने एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू किया तो हमारे 2-3 एपिसोड मिस हो चुके हैं। तो मैं ऐसा आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा चाहती हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में अभी तक का हमने जितना भी सिखाया है तो थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे हम पूरा सेशन, बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि एक ही एपिसोड में सिखाएंगे इतना सारा लेना बहुत ही दिक्कत। नहीं, मैं ऐसा कह रही हूँ कि अगर हम नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ जो सिखाने के लिए ले सकते हैं वो पूरा एपिसोड। क्या है कि जो लोग अभी अभी सीखना चाहते हैं और जुड़े हैं उनका आधा रह गया है, तो उसके बाद की जो एपिसोड रहेंगे उसमें से वो कंटिन्यू हो जाएगा। जी पक्का, वो कर लेंगे। तो अभी सब अनाउंसमेंट कर लेते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जो रहेगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लिए रहेगा। क्वेश्चन हम उसके बाद के सैटरडे को लेंगे क्योंकि अभी तक जो सिखाया है वो काफी सारे लोग का मिस हो चुका है और हमें रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर आप वापस ये सिखाए तो अच्छा रहेगा। एपिसोड में आप देख सकते हैं लेकिन लोगों के ऐसे रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार वापस हो जाए तो अच्छा, रिवीजन भी हो जाएगा। काफी लोगों को फोन भी आता है रिवीजन के लिए, तो रिवीजन तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। लेकिन आपको अगर आपकी डिटेल्स भेजनी है तो एक आपको भी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप बर्थ डेट ना भेजें, आपका पूरा डिटेल भेजें क्योंकि काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस हम नहीं ले सकते हैं, नहीं लिए हैं क्योंकि आपने पूरा डिटेल भेजा ही नहीं है। आपने या तो बर्थ डेट भेजा है, या तो बर्थ प्लेस भेजा है, या तो बर्थ मतलब बर्थ टाइम नहीं भेजा है, या तो बर्थ प्लेस नहीं भेजा है। काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है तो काफी लोगों के लिए नहीं गए हैं जो पेंडिंग है अभी तक। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर आप सही में इंटरेस्टेड है, सही में आपके बारे में जानना चाहते हैं तो वापस हमें हमारा जो नंबर दिया है 9227645700 पे, मैंने वापस रिपीट कर रही हूँ आपको कि आपका नाम, अगर नाम लेना नहीं चाहते हैं तो XYZ कर सकते हैं और आपका बर्थ डेट, बर्थ प्लेस एंड बर्थ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको भेजना है, तभी हम आपके बारे में बता सकते हैं, तभी गुरुजी आपके लिए सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो गुरुजी अभी तक यहीं तक हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बट जाने से पहले जरूर आप हमारी फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय गणेश गुरुजी। जय गणेश। जय गणेश।